पूरी दुनिया में भारत देश अपनी विशालतम संस्कृति के लिए विख्यात है। इसी भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के बीचों बीच स्थित है एक प्रांत, अवध प्रांत। अवध अपने आप में ही संपूर्ण है और किसी परिचय का मोहताज नहीं। अवध की भाषा अवधी भाषा के नाम से जानी जाती है। अवध प्रांत कई महान हस्तियों को बनाने का साक्षी है। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में कई महान कवि और लेखक प्रसिद्ध हुए हैं जो अवध प्रांत की ही देन है और उन्होंने अपनी कला को अवधी भाषा में ही प्रस्तुत किया है। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना की, मलिक मोहम्मद जायसी आदि अनेकों कवि और लेखक रहे हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से अवध का नाम रोशन किया तथा कला और साहित्य के क्षेत्र को एक ऊंचाई तक पहुंचाया। कवि और लेखकों के साथ ही इस अवध प्रांत ने कई वीर पुत्रों को भी जन्म दिया जिन्होंने देश की सेवा में और उसकी आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी, राम प्रसाद बिस्मिल, आसिफ अली आदि न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी परवाह न करते हुए तन मन धन सब कुछ देश की सेवा में अर्पण कर दिया। इन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों के बीच एक नाम आता है, राजा लाल प्रताप सिंह का, जो अवध प्रांत के जनपद प्रतापगढ़ में स्थित काला कांकर राजवंश में राजकुमारी रत्ना सिंह के पूर्वज राजा हनुमंत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। इन्होंने बहुत ही कम आयु में अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। प्रतापगढ़ साम्राज्य को बचाने के लिए चांदा सुल्तानपुर में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए 19 फरवरी सन 1858 में वीर गति को प्राप्त हुए। प्रतापगढ़ की शान और देश के सम्मान के लिए इनके त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद राजा लाल प्रताप सिंह के सुपुत्र राजा रामपाल सिंह कांग्रेस के 5 प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। ये साहित्य, संगीत एवं कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के संपादकत्व में भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादन सन 1885 से लेकर 1909 तक सफलतापूर्वक किया। शहीद राजा लाल प्रताप सिंह के वंशज राजा रमेश सिंह भारत भूषण की उपाधियों से विभूषित महान साहित्यकार, पत्रकार एवं कवि रहे हैं। राजा रमेश सिंह के पुत्र राजा अवधेश सिंह 14 नवंबर 1934 को महात्मा गांधी के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाले देश के प्रथम राजा थे। महान देशभक्त, कुशल राजनीतिज्ञ, आर्य समाजी तथा पंचायती राज के प्रथम संस्थापक थे। राजा अवधेश सिंह के पुत्र राजा दिनेश सिंह एक सच्चे राष्ट्रभक्त, स्वतंत्र भारत के विकास पुरुष और विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के अग्रदूत रहे। आप आजीवन राजनीति में पूर्ण रूप से समर्पित रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय आप राजनीतिक सचिव व राजदूत रहे। साथ ही साथ आपने वाणिज्य, उद्योग एवं मानव संसाधन मंत्रालय व विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। साहित्य के क्षेत्र में देश के तत्कालीन प्रख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी रचनाओं के लिए गंगा तट पर स्थित काला कांकर में रहकर 11 रचनाएं लिखी, जिसमें नौका विहार अपने आप में अद्भुत रचना है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर
हम चले नाव लेकर सतवर। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पालें चढ़ी उठा लंगर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दूरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमण। पलकों में वैभव स्वप्न सघन। राजा दिनेश सिंह काला कांकर राजवंश की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखते हुए तथा देश की निश्चल भाव से सेवा करते हुए अंतिम क्षणों में विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए संसार से विदा हुए। जनपद के गौरवशाली इतिहास और विरासत को संभालना तथा उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना एक कड़ी चुनौती थी। अपने पिता के समय से ही उनके राजनीतिक कार्यों में हाथ बटाती रही सबसे छोटी पुत्री राजकुमारी रत्ना सिंह ने अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके जीवन के आदर्शों और मूल्यों का मान रखते हुए न सिर्फ उस विरासत को संभाला बल्कि प्रतापगढ़ को विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर किया। मेरा समस्त प्रतापगढ़ परिवार मैंने आज तक राष्ट्रीय भावना और जनता की सेवा को प्राथमिकता दी है, जिसकी प्रेरणा मुझे बचपन में मेरे पिता ने दी थी। मुझे जब जब आपने सेवा का मौका दिया है मैंने उसे तहदिल स्वीकारा है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर ऐसा ही विश्वास और स्नेह बनाए रखें जिससे कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं और अपने जनपद प्रतापगढ़ का चौमुखी विकास कर सकूं। राजकुमारी रत्ना सिंह महिला सशक्तिकरण परिषद भारत सरकार नई दिल्ली की अध्यक्षा एवं अनेक शिक्षण संस्थाओं की संचालिका हैं। आप 3 बार संसद सदस्य रह चुकी हैं। उद्योग शून्य जनपद प्रतापगढ़ में कृषि पर पूरी तरह से निर्भर जनता को ध्यान में रखते हुए कृषि को बढ़ावा देने व किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सन 1999 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र अवधेशपुरम ऐठू की स्थापना की। इसकी स्थापना के लिए 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजकुमारी रत्ना सिंह ने अपनी व्यक्तिगत जमीन देकर इसे स्थापित करवाया। राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना मैंने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए किया है। इस कृषि प्रधान जिले में हम सबका जीवन तभी सुदृढ़ कर सकेंगे जब किसानों का जीवन समृद्ध हो। इस कृषि विज्ञान केंद्र में किसान भाइयों को निःशुल्क परामर्श, आधुनिक तकनीकी से खेती करने का प्रशिक्षण तथा बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों को रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही साथ उन्नत प्रजातियों के बीज, कीटनाशक एवं खरपतवार नाशी दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अब तक लगभग 16 प्रकार की कृषि तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाया गया है, जिसमें शून्य कर्षण विधि, धान की सीधी बुआई, लेजर लेवलर, सघन बागवानी, जीर्णोद्धार के थ्रू जो है इसको जो है काटा गया है। दिसंबर के महीने में इसको काटा गया है 5 मीटर ऊपर से। इसमें जो है फलत कम होती थी
सूर्य की रोशनी नहीं आती थी, और काटने के बाद इसलिए काटा गया है कि काटने के बाद इसमें जो है कापर ऑक्सीक्लोराइड का जो है लेप लगाया गया है, और ये नए कल्ले ले लेंगे। कल्ले लेने के बाद जो है इसमें फलत अच्छी हो जाएगी और बाग फिर से नया हो जाएगा, इसलिए कि पुरानी नए पेड़ लगाने में 10 साल लगते हैं और इसको जो है 3 साल बाद ये फलत देना शुरू कर देता है। ये जो आम के बाग में आप तकनीक देख रहे हैं ग्रीस बैंडिंग की, इसका मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो मैंगो मिली बग, जिसको हम गुजिया कीट के नाम से यहाँ जानते हैं, ये कीट जो है इसकी वयस्क मादा मई के महीने में नीचे उतर करके थालों में अंडे दे देती है, जो बाद में निम्फ जिसके जो पौध होते हैं वो सितंबर माह में पेड़ में ऊपर चढ़ने लगते हैं, और जब वो ऊपर चढ़ जाते एक बार तो सितंबर के बाद अक्टूबर महीने और नवंबर में उनमें वैक्स कोटिंग आ जाती है, और ये कीट इतना खतरनाक होता है कि जो कि आप इसको किसी भी दवा से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो हम एक पद्धति चल रही है एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के तहत, हम इसे फिर मार नहीं पाते हैं। हम सितंबर माह में आम के पेड़ में जो थालों के ऊपर जो तना है मेन ट्रंक, उसमें हम सफ़ेद पॉलीथीन जो है 1 फुट की चौड़ाई की काट करके हम इसको ग्रीस दोनों सतहों पे ग्रीस लगा करके इसको लपेट देते हैं अच्छी तरीके से। उससे ये होता है कि जो पौध होते हैं इसके बच्चे जो होते हैं गुजिया कीट के, ये ऊपर नहीं चढ़ पाते और हम फसल को इस कीट से पूर्णतः बचा लेते हैं। मुर्गी पालन मधुमक्खी पालन मुख्य है। ये हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं जिसमें हमारे भारत में 2 प्रजातियां पाली जाती हैं, एपिस मेलिफेरा इंडिका और एपिस मेलिफेरा जो ऑस्ट्रेलिया की है। इससे हमको मधुमक्खी पालन से ये लाभ होता है कि इसके लिए हमको किसी विशेष जगह की ना ज़रूरत होती है, जहाँ थोड़ा बहुत जगह मिली वहाँ हम बाग से को ले जा कर रख देते हैं, और जो हमारा फूल हैं और ये सब्जियाँ हैं इन सब से वो अपना पराग और शहद को इकट्ठा करती हैं, और हमको जो है एक बॉक्स से लगभग 40 से 50 किलो शहद मिल जाती है, और एक किलो शहद की कीमत अगर हम 200 रुपये माने तो ये हमारा हम लोग को एक्स्ट्रा अतिरिक्त आय हमको दे देती है, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसमें हम लोग को विशेष कुछ नहीं करना होता है, एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स में हम लोग 4 फ्रेम की कॉलोनी, ये फ्रेम है ऐसे फ्रेम, इसको हम एक फ्रेम बोलते हैं, एक बॉक्स में ऐसे जो आप बॉक्स देख रहे हैं ऐसे में 10 फ्रेम ऐसे एक बॉक्स में जाता है, तो ऐसे 4 बॉक्स की कॉलोनी हम लोग खरीदते हैं, और उस 4 बॉक्स से पूरा एक एक बॉक्स बढ़ते बढ़ते 10 बॉक्स हो जाता है। तो इस तरीके से जब हमारा पूरा 10 बॉक्स में शहद भर जाती है, ये ऊपर का जो एरिया होता है इसमें हमारा शहद रहती है दोनों तरफ, इसको फिर हम शहद काट के निकाल लेते हैं, और उससे हम शहद मशीन से शहद को निकाल के गर्म करके हम लोग पैक करके मार्केट में 200 से 250 रुपए किलो हम लोग बेचते हैं। आधुनिक कृषि तकनीकियों को अपनाकर किसान भाई एवं बहनें अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त कर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा रहे हैं। देश की आजादी के बाद प्रतापगढ़ पूरी तरह कृषि पर आधारित जिला था, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी खेती पर ही जुड़ी हुई थी, लेकिन एक बदकिस्मती थी हमारे प्रतापगढ़ की कि हमारे पास पैदावार बहुत कम थी। राजकुमारी रत्ना सिंह की मैं तारीफ करूँगा कि उन्होंने यहाँ पर राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र जब से खुला है जिले की तस्वीर बदल गई। एक तरफ पैदावार दुगनी हो गई, जहाँ 2 फसलें होती थी वहाँ 3 हो गई, और यही नहीं उन्होंने जो नई तकनीकें आईं ख़ास तौर से जुताई की बुआई की, उससे लागत कम हो गई। एक तरफ लागत कम हुई दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ा, इससे किसान की ज़िंदगी में खुशहाली आई। मैं समझता हूँ कि कैश क्रॉप यानी कि आदमी की खेती को उन्होंने सीधे पैसे के ज़्यादा पैसे कमाने से जोड़ा, और मुर्गी पालन ये सारी चीज़ें करके राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करके राजकुमारी रत्ना सिंह ने प्रतापगढ़ का बहुत उपकार किया है, बहुत भला किया है। जो लोग प्रतापगढ़ छोड़ के शहरों की ओर जा रहे हैं अब अपने गांव में रुकने लगे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके
बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियां स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके अलावा राजकुमारी रत्ना सिंह ने जनपद वासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी मदद के लिए शहर तथा ग्रामीणांचल में अपने प्रयास से राष्ट्रीयकृत बैंकों की कई शाखाएं भी स्थापित कराई हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों की आर्थिक सुविधाओं को ध्यान में रख के हमने बैंकों का जाल फैलाया है, जिससे उन्हें पैसा सुरक्षित रखने के साथ ही किसान ऋण और शिक्षा ऋण आसानी से मिल सके। राजकुमारी रत्ना सिंह प्रतापगढ़ का बहुमुखी विकास चाहती हैं। इसीलिए इन्होंने न सिर्फ किसान बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी कई काम किए हैं। महिलाओं अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपनी जीवन स्तर ऊंचा कर सके, उसके लिए मेरी माँ जी राजकुमारी रत्ना सिंह हमेशा प्रयास करती हैं। तरह तरह की ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती हैं। महिलाओं के लिए माँ जी की विशेष सहानुभूति को मैंने महसूस किया है। उनके साथ मिलकर मैं भी हमारी बहनों और मौसियों की मदद करती हूँ, जिससे वो एक बेहतर जीवन जी सके। इन्होंने सिलाई बुनाई आदि के प्रशिक्षण और बुनकर कारोबारियों का 50 लाख तक का बीमा भी कराया है, जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके तथा सर उठाकर जीने के साथ ही साथ अपने घर को अच्छी तरह से चला सके। जब तक हमारी बहनें आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक देश का विकास सही रूप से नहीं हो पाएगा। मेरा प्रयास है कि हमारे प्रतापगढ़ की हर बहन शिक्षित और आत्मनिर्भर हो और आत्मसम्मान के साथ जिए और देश के विकास में भागीदार बने। किसी भी क्षेत्र का विकास वहां की शिक्षित जनता से आंका जाता है। जब शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है तो विकास की दर भी ऊंची होती है। राजकुमारी रत्ना सिंह ने अपनी इसी दूरदृष्टिता से कई विद्यालयों का निर्माण कराया व पहले से बने स्कूल तथा कॉलेज का पुनरुद्धार कराया और उसके प्रबंधन के कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने 1906 से खुले हनुमंत इंटरमीडिएट कॉलेज काला कांकर और 1966 से खुले मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काला कांकर का पुनरुद्धार करके अपने पिता राजा दिनेश सिंह का सपना पूरा किया। रानी नीलिमा कुमारी शिशु मंदिर काला कांकर, अवधेश विद्या निकेतन इंटर कॉलेज लालगंज, अवधेश इंटरमीडिएट कॉलेज धारूपुर तथा रानी नीलिमा कुमारी बालिका महाविद्यालय आदि अनेकों स्कूल कॉलेजों का निर्माण कराया, जहां आज ग्रामीण छात्र एवं छात्राएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न विकास खंडों में स्थित शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण एवं विकास के लिए सांसद निधि से लगभग 3 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। जनपद के सभी भाइयों एवं बहनों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी निजी भूमि देकर कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कराई तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत जिले के हर विकास खंड को एम्बुलेंस सुविधा के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई, ताकि जिले का कोई भी नागरिक बिना इलाज ना रहे। राजकुमारी रत्ना सिंह ने अनेकों मुश्किलों के बावजूद प्रतापगढ़ शहर से होते हुए रायबरेली जौनपुर नेशनल हाईवे का निर्माण करवाया। इसके अलावा चिलबिला रेलवे ओवरब्रिज, भूपिया मऊ फ्लाईओवर ब्रिज, रामापुर ओवरब्रिज आदि का निर्माण कराया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन किया। प्रतापगढ़ शहर में जोगापुर से सदर मोड़ तक डिवाइडर का निर्माण एवं सड़क मार्ग को चौड़ी कराया। मैंने अपने नाना जी और माता जी को हमेशा ही प्रतापगढ़ के हित करते देखा है। हमारे भाइयों को खेती के सही संसाधन के साथ ही साथ उचित परामर्श व प्रशिक्षण मिले, इसके लिए मेरी माता जी राजकुमारी रत्ना सिंह जी ने राजा दिनेश सिंह
कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करवाई। उनके इस प्रयास के कदर करते हुए मैं और भी आधुनिक तकनीकियों के साथ साथ इसको आगे बढ़ाता रहूँगा और आप सबके हित के लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा। नवीनतम विकास के साथ ही साथ इन्होंने पुरानी धरोहर को सहेज कर इतिहास को संभालने का भी काम किया है। इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए कई पर्यटन स्थलों का सुंदरीकरण करवाया तथा धार्मिक स्थल जैसे बाबा बेलखरनाथ धाम, शनिदेव धाम, चौहरजन देवी का धाम एवं सबाना बाबा की मजार आदि के रखरखाव व सुंदरीकरण के लिए केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा धन को स्वीकृत कराकर आवंटन करवाया। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लगभग 114 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ के विकास हेतु स्वीकृत एवं आवंटित कराया। नीमा गोपालपुर में 35 लाख रुपए सांसद निधि से अवमुक्त कराते हुए रेलवे हॉल्ट का निर्माण कराया। मोबाइल नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दूरभाष क्षेत्र में लगभग 40 BTS प्रतापगढ़ जनपद में स्थापित करवाए। पेयजल, विकलांग शिविर व प्रधानमंत्री राहत कोष से भारी संख्या में धनराशि स्वीकृत कराकर प्रतापगढ़ जनपद के विकास कार्य में लगाया। प्रतिवर्ष जुलाई में विकलांग जनों के लिए निःशुल्क ट्राइसाइकिल और बैसाखी बांटती हैं। विकास और समृद्धि की ऐसी उच्च भावना लिए हुए राजकुमारी रत्ना सिंह अनवरत प्रयासरत हैं। आप सभी उनकी इस विकास यात्रा में हिस्सेदार बने। वो पूरी जनता, बुद्धिजीवी, पत्रकार व अन्य समाज के लोगों से शुभाशीष की कामना रखते हुए अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं और आगे भी वो हमेशा अपने इसी प्रयास को अंजाम देती रहेंगी।